So, good morning students. In the last session what we have discussed electronic configuration and we have discussed the electronic configuration up to the 11 elements. So, aaj hum discuss karenge electronic configuration and valence. डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंस. सो हमने लास्ट सेशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 एलिमेंट्स का डिस्कस किया था. 12 एलिमेंट है मैग्नीशियम. सो एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 12. मास नंबर ए दैट इज 24. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n इज इक्वल टू a माइनस z दैट इज 24 माइनस 12 यानी 12. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इसको दिखाए हैं तो ये न्यूक्लियस में प्लस 12 प्लस प्रोटॉन हो गए. पहले शेल के अंदर आपके दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल के अंदर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. और थर्ड में क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. 1 एंड 2. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुए? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 एंड 2 एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम आपको कॉर्ड देना चाहते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 कितने होंगे? 2. इज इट क्लियर? नेक्स्ट 13 एलिमेंट एल्यूमिनियम. सो एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 3 मास नंबर 27 एटॉमिक न्यूट्रॉन हो जाएंगे. 27 माइनस 13 दैट इज 14. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो है 13. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 एंड 3. आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3. कितने हो जाएंगे? 3. इज इट क्लियर? 14 इज सिलिकॉन. नेक्स्ट एलिमेंट इज सिलिकॉन. 14 एलिमेंट इज सिलिकॉन. एटॉमिक नंबर 14 मास नंबर 28. ठीक है, सो 28 माइनस 14 द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14. नंबर ऑफ प्रोटॉन 14. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 एंड 4. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4. ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट 15 इज फॉस्फोरस. फॉस्फोरस सो एटॉमिक नंबर 15 मास नंबर 31 एंड इट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 31 माइनस 15 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए 16. नंबर ऑफ प्रोटॉन 15. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 एंड 5 एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5. तो यहाँ वैलेंस आउट ऑफ मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एलिमेंट 16 एलिमेंट दैट इज सल्फर. एटॉमिक नंबर 16 मास नंबर 32 माइनस 16 न्यूट्रॉन 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 6
तो ये हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट एलिमेंट 17 दैट इज क्लोरीन, सिंबल Cl, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35, 35 माइनस 17 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8 एंड 7, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। नाउ नेक्स्ट 18 एलिमेंट इज आर्गन, सिंबल ए आर, ठीक है, 18, मास नंबर 40, ठीक है, 40 माइनस 18, 22, नंबर ऑफ प्रोटॉन 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 288, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। सो ये आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। सो अब आपका थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाउ 19th एलिमेंट दैट इज पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 39, न्यूट्रॉन 39 माइनस 19, 20, नंबर ऑफ प्रोटॉन 19, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19। अब यहां हम एक फोर्थ सेल ड्रॉ करेंगे और यहां एक इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे 288 एंड 1, एंड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, कितने हो जाएंगे 1, कितने हो जाएंगे, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1। Is it clear? Next element 20 is calcium. Atomic number 20, mass number 40, number of neutron 40 minus 20, 20, number of proton 20, number of electron 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 288 एंड 2, टोटल चार ऑर्बिट रहेंगी, चौथी ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट। इज इट क्लियर, एनी डाउट, चलिए नाउ आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड द वैलेंसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वैलेंसी, ठीक है, एक सिंग चालू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वैलेंसी। सो हाउ कैन यू डिफाइन अ वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। सो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड, क्या कह रहे हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विथ एटम ऑफ अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंस। Now, combining capacity of an element with the atom of other element is known as its valency. अब यह क्वेश्चन आता है, why the atoms of one element combine with the atoms of other element? कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम
दूसरे एटम से कंबाइन क्यों होता है, व्हाई द रीजन बिहाइंड इन द वन एटम और वन एलिमेंट इज कंबाइंड विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, टू गेटिंग अ स्टेबिलिटी और टू बिकम स्टेबल और टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। कोई भी एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन क्यों होता है, टू एक्वायर द स्टेबिलिटी एंड टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। एज इट एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल देन इट बिकम्स स्टेबल एंड इट इज केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट का मतलब क्या है कि अब वो किसी और से रिएक्शन करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा एंड इट बिकम्स स्टेबल। और जब तक उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तब तक इट हैज अ टेंडेंसी टू कंबाइन विद अनदर एलिमेंट और एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। सो नाउ वी डिफाइन अ वैलेंसी बाय वन अनदर मेथड और वन अनदर वे, दैट इज देखिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन gain or lose or share by an atom with atom of another element to acquire 8 electron to acquire nearest नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए नॉर्मल गैसेस क्या होती हैं? नॉर्मल गैसेस वो होती हैं जो केमिकली इनर्ट होती हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गई, आर्गन हो गए, ये सारे क्या हैं? नॉर्मल गैसेस हैं एंड दे हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑक्टेट या डुप्लेट, या तो उनका आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर उनके आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे हीलियम, हीलियम नॉर्मल गैस है जिसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, और वो केमिकली इनर्ट होता है। तो कोई भी एलिमेंट दूसरे एटम के एलिमेंट के साथ कंबाइन क्या होता है, टू एक्वायर अ नियरेस्ट नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन या टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, that is called its valency. Is it clear? The valency of an element is equal to number of electron gain or lose or shared by an atom with the atom of another element to acquire nearest noble gas configuration. Is it clear? Now to determine the valency of an element, there are two rules. Valency को determine करने के लिए आपके पास क्या है? दो rule है। Now first rule क्या है? जब भी किसी element की valency calculate करनी है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? First you have to idea about the valence electron. कि उस element के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आपकी वैलेंसी डिफाइन होगी। तो वैलेंसी का फर्स्ट रूल क्या है? इफ एन एलिमेंट या इफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 और 3 और 4 या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कंसिस्ट ऑफ 1 2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल देन वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या रूल है? यदि किसी एलिमेंट के एटम के आउटरमोस्ट सेल में
या तो वन इलेक्ट्रॉन है या फिर टू इलेक्ट्रॉन है या फिर थ्री इलेक्ट्रॉन है या फिर फोर इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है, वन टू फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देन इट्स वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यदि आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी वन हो जाएगी, आउटरमोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी टू हो जाएगी, आउटरमोस्ट सेल में थ्री इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी थ्री हो जाएगी, और आउटरमोस्ट सेल में फोर इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी फोर हो जाएगी। इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड रूल, इफ द एटम कंसिस्ट ऑफ फाइव टू एट इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, रूल सेकेंड क्या है, इफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ फाइव टू एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, then valency is equal to 8 minus number of valence। क्या रूल होगा? यदि outermost shell में 5 इलेक्ट्रॉन है तो valency होगी 8 minus 5 यानी 3। यदि outermost shell में 6 इलेक्ट्रॉन है तो valency हो जाएगी 8 minus 6 2। outermost shell में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस 7 1, और यदि आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस 8 0। देखिए यदि आउटरमोस्ट सेल में 5 टू 8 इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 5 टू 8, 5 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस 5। यदि आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस 6। यदि आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस 7, क्योंकि देखिए हम वैलेंसी क्या बोल रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज या गेन या शेयर कर रहा है 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। तो यदि किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट सेल में तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और अपने आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर देगा, तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई 1। यदि किसी के आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इट नेवर एक्वायर एंड नेवर गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी 0। इज इट क्लियर? एनी डाउट, कंफर्म? ठीक है, सो दीज आर द टू रूल्स टू डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। तो अब देखिए हम 1 टू 20 एलिमेंट जो हमने डिस्कस किए उनकी वैलेंसीज डायरेक्टली उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे लिख रहे हैं, तो मैं एक टेबल बना रहा हूं, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड वैलेंस। और इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन में मैं चार कॉलम बना रहा हूं। देखिए ये पहला शेल है के, ये दूसरा शेल एल, ये तीसरा शेल एम, ये चौथा शेल एन, ठीक है, और इसके बेसिस पे आपकी क्या आ जाएगी, वैलेंसी, क्योंकि वैलेंसी होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, दो रूल जो हमने डिस्कस किए उसके बेसिस पे। तो पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 1, वैलेंसी 1। हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, बट इसकी वैलेंसी 0 होगी, दैट इज द एक्सेप्शन, क्योंकि नॉबल गैस है और नॉबल गैसेस क्या होती हैं, केमिकली इनर्ट, क्या होती हैं, केमिकली इनर्ट होती है। फिर लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 1, वैलेंसी हो जाएगी 1। वैलेंसी 1 क्यों है, क्योंकि आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन। फिर है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, क्या है, एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 2, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आता है बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, तो 2 एंड 3, तो वैलेंसी हो जाएगी 3,
देन कार्बन एटॉमिक नंबर 6 टू एंड 4 वैलेंसी 4। ये हमारा फर्स्ट रूल, इफ द इट कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल देन वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1, दो इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2, तीन इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 3, चार इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 4। ठीक है, फिर आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो वैलेंसी क्या हुआ 2.5, वैलेंसी हो जाएगी 8-5 3। देन ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2.6, वैलेंसी हो जाएगी 8-6 2। फिर फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 2.7, वैलेंसी हो जाएगी 8-7 1। देन नियॉन एटॉमिक नंबर 10 2.8, तो 8-8 0। इज इट क्लियर दर्शन, समझ में आया? एनी डाउट? नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स। देखिए सोडियम एटॉमिक नंबर 11 2 8 एंड 1 तो वैलेंसी 1 क्योंकि आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 2 8 एंड 2 वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 2 8 एंड 3 वैलेंसी 3। देन सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 2 8 एंड 4 वैलेंसी 4। देन फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 2 8 एंड 5 वैलेंसी 8-5 3। देन सल्फर एटॉमिक नंबर 16 2 8 एंड 6 वैलेंसी 8-6 2। देन क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 2 8 एंड 7 वैलेंसी हो जाएगी 8-7 1। देन आर्गन एटॉमिक नंबर 18 2 8 8 वैलेंसी 8-8 0। नेक्स्ट पोटेशियम 19 2 8 8 एंड 1 तो वैलेंसी 1। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 2 8 8 एंड 2 वैलेंसी 2। इज इट क्लियर? यस, सो दैट इज अ वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट। इज इट क्लियर? दैट इज अ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए अभी से सीख लेंगे तो 9 10th सब में आपको आराम हो जाएगा। आगे के स्टैंडर्ड्स में बहुत अच्छे से आपको ये चीज यदि क्लियर आउट होगी तो अच्छे से आप बाकी इससे रिलेटेड अप्रोच के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ एज वी डिस्कस दैट व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। और कोई भी एक एटम या कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकली कंबाइंड क्यों होता है? टू एक्वायर अ नियरेस्ट नोबल गैस कंफिगरेशन। क्या? टू एक्वायर अ नियरेस्ट नोबल गैस कंफिगरेशन। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड क्यों होता है? टू एक्वायर अ 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, एंड दैट इज अ बेसिक मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? Molecule is a kind of pure substance, or it is a smallest unit of pure substance which formed by chemical combination of two or more than two atoms.
जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। और कोई भी एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइंड क्यों हो रहा है? जैसा कि हमने डिस्कस किया, टू एक्वायर अ नियरेस्ट नॉबल गैस कंफिग्रेशन। तो ड्यू टू द एक्वायर अ स्टेबिलिटी, एटम इज कंबाइंड विद द एटम्स ऑफ अदर अदर एलिमेंट एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल। क्या फॉर्म करेगा? मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। एंड व्हेनेवर अ एटम इज कंबाइंड विद द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। एक एटम, यस ओके, नो इश्यू। सो वी विल डिस्कस दिस इन लेटर सेशन, ठीक है? हम मॉलिक्यूल, केमिकल बॉन्ड्स एंड टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट वी विल डिस्कस इन द लेटर ऑन सेशन।